और एक और अपडेट आपको दे दें, ग्रेटर नोएडा लेप्रासे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। देर रात इलाज के दौरान 4 और मजदूरों की मौत हो गई। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के थाना बिस्तरा क्षेत्र में आम्रपाली ड्रीम वैली हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट गिर गई थी और इसमें मजदूर काम कर रहे थे। उस वक्त 4 मजदूरों की मौत हो गई थी, एक मजदूर का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग आम्रपाली ग्रुप की है, इसे NBCC ने टेक ओवर कर लिया था। हादसे के बाद प्रशासन ने बिल्डिंग को सील कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर, बढ़कर 8 हो गई है अब मरने वालों की संख्या, 4 और मजदूरों के इलाज के दौरान मौत। तो वहीं देखिए, लिफ्ट हादसे में मुआवजे का भी ऐलान हो गया है। मृतक के परिजनों को 25 लाख मुआवजा, डीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है। 20 लाख NBCC, 5 लाख कोर्ट रिसीवर देगा, यह ऐलान किया गया है। क्योंकि बढ़कर 8 अब संख्या हो गई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। हिमांशु, बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, 8 संख्या हो गई है और एक मजदूर की अभी भी इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, क्या अपडेट आपके पास? हालांकि इस पूरे हादसे के बाद मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से कल लिफ्ट हादसा हुआ, और आपको बता दें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और 4 लोग कल देर रात, 4 लोग और उसमें मृतक हुए हैं, तो कुल संख्या जो है वो 8 हो गई है और एक जो गंभीर रूप से घायल है कैफ, उसकी भी हालत जो है बेहद गंभीर बताई जा रही है और इस समय हम जिला अस्पताल में हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी यहां से बॉडी सीधे जो है वो मॉर्चरी ले जाई जाएगी और यहां पर जो है उनके परिजन मौजूद हैं। हम सीधे परिजन से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप कहां से आए हैं? हम लोग सरावा से आए हैं, जो हम लोग सरावा से रहने वाले हैं और अजराड़े से जो है ये फुप्पो का लड़का है, हम वहां से हैं। क्या नाम है? मृतक का नाम अरबाज है। आपके रिश्ते में क्या है? फुप्पो का लड़का लगता है जी। तो आप लोग को कब जानकारी? मृत्यु की या हादसे की? मृत्यु की जानकारी जो है हमें वो सुबह मिली है तकरीबन 7 बजे, जबकि उन्होंने बताया कि हमने रात ही शासन को हमने सूचना दे दी थी, लेकिन हमें उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। अभी क्या उम्र थी उसकी? उम्र लगभग तकरीबन 18 के आसपास लगभग थी, 18 से भी ऑलमोस्ट कम ही थी, माइनर था वो। घर में कितने परिवार के सदस्य? घर में उनके फादर तो एक्सपायर हो गए, उनके फादर को एक्सपायर हुए काफी वक्त हो गया है और जो उनका एक भाई है वो भी अभी जस्ट 3-4 महीने पहले एक्सपायर हुआ है। 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। अभी 2 भाई हैं जी, 2 बड़े भाई हैं। और ये इससे पहले कहाँ काम कर रहा था? इससे पहले तो ये घर पर ही था, कहीं काम नहीं कर रहा था, बस अपना गांव में मजदूरी कर ली, इसी तरीके से सिर्फ काम कर रहे थे। कब आया नोएडा? यहाँ पे आए हुए इसे लगभग अभी 1.5 से 2 महीना हुआ है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस हादसे के बाद मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। एक और मजदूर का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन दुखद खबर ये कि मरने वालों का आंकड़ा अब 4 से बढ़कर 8 हो गया है। खबरें लगातार जारी है, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।